और अब देखते हैं जो है सो है। होड़ लगाकर खरीदारी करना, दिखावे के लिए खर्च की नुमाइश करना, अपने घर को साफ करने पर ध्यान देना लेकिन आसपास की आबो हवा के लिए एकदम बेपरवाह रहना, एक जिद और जुनून के हवाले होकर बस खाना पीना पटाखे फोड़ना और इससे भी मजा ना आए तो जुआ खेलना, नशा करना और त्योहार की तारीख गुजार देना। असल में ऐसे मौकों पर उत्सव के उन्माद के अलावा कुछ देर ठहर कर ये भी सोचा जाए कि जो त्योहार हम मना रहे हैं उसकी शुरुआत के पीछे वजह क्या थी, इसे परंपरा बना देने के पीछे मकसद क्या रहा होगा। जरूरत यह भी है कि केवल बाहर सफाई और रोशनी भर ना की जाए बल्कि खुद के अंदर उतर कर भी ये काम किया जाए। किसी लाचार गरीब की मदद हो, किसी उदास चेहरे में मुस्कान बिखेरने की कोशिश हो, अगर ये हो तो बात बने, वरना जिससे काम हो उसको हैप्पी दिवाली और जिससे नहीं उसके मैसेज को इग्नोर कर देने का काम तो दुनिया कर ही रही है। बाकी तो जो है सो है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।